नहीं, जो पूरे देश में जिस तरह से बीजेपी की सरकार चल रही है, जिस तरह से अभी मणिपुर में आदिवासियों और गैर आदिवासियों को लड़ाने की कोशिश की गई, जिस तरह से दिल्ली के अंदर जो अभी पहलवान लोग जिस तरह से लड़ रहे हैं महिला उत्पीड़न के खिलाफ में, ये सब घटनाएं जाहिर कर रही हैं कि पूरे देश में बीजेपी के खिलाफ जो हैं उनके रास्ते से जो नहीं चल रहे हैं, उनको हर तरह से दमन का शिकार बना रहे हैं, जनता को विभाजित करने की कोशिश कर रहे हैं। झारखंड में हम इस चीज को चलने नहीं देंगे, इसीलिए वामपंथी पार्टियां सब एकजुट हैं और यहां जो जनता के सवाल हैं, पूरे देश के जो सवाल हैं और झारखंड की जो जनता के सवाल हैं, उन सवालों को लेकर के हम कन्वेंशन कर रहे हैं। आने वाले समय में और बड़ी लड़ाई की ओर हम लोग संयुक्त रूप से बढ़ेंगे। ये झारखंड के राजनीतिक घटना विकास में एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम है। 7 वाम दल जो है इकट्ठा हो रहे हैं और वो एक मोर्चा बनाने की दिशा में बढ़ रहे हैं। मोर्चा का मुद्दा है कि जो संविधान पर हमला हो रहा है, जो सांप्रदायिक ध्रुवीकरण के आधार पर जो हमारे फेडरल चरित्र पर हमला हो रहा है, इसके खिलाफ। और दूसरा जो वर्गीय और जन मुद्दे हैं झारखंड के, विस्थापन का सवाल, मनरेगा का सवाल, फॉरेस्ट राइट का सवाल, शिक्षा का सवाल, रोजगार का सवाल, लोगों को, स्थानीय लोगों को नियोजन देने का सवाल, इस सवाल पर वाम दल उस कन्वेंशन में मंथन करेंगे। और अभी हम लोगों ने तय किया है कि 19 तारीख को हम लोग घोषणा करेंगे और पूरे राज्य में जिला स्तर पर कन्वेंशन होगा, प्रखंडों में प्रदर्शन होगा, जत्थे निकलेंगे और इस साल के अंत में एक बड़ी वाम रैली होगी जो यहां पर एक राजनीतिक विकल्प की दिशा में बढ़ा हुआ कदम। क्या आप अन्य दलों से भी अपील करेंगे कि आपके साथ खड़ा हो? पहले तो हम लोग लाल झंडे के लोग एक मंच पे आ रहे हैं 19 तारीख को, और हमारा प्रयास है कि लाल झंडे के आंदोलन को हम लोग नीचे के स्तर तक ले जाएं। उसके बाद भी राज्य के अंदर जो भी छोटी बड़ी पार्टियां हैं उनको हम एक मंच पे लाएंगे, तभी तो वाम जनवादी विकल्प की बात हम लोग कर रहे हैं राज्य के अंदर। उस सब को एकजुट करके राज्य में 2024 से पहले एक बड़ा आंदोलन हम लोग खड़ा करेंगे और एक राजनीतिक विकल्प जो है झारखंड के अंदर हम लोग देने का प्रयास करेंगे। बार नहीं, हर बार पढ़ते रहे, जनता की मांग है, जो डिमांड है, जो केंद्र सरकार और राज्य सरकार नहीं कर पा रहे, उसको हम लोग जनता के बीच में लाने चाहते हैं। भू आपसी, जमीन आपसी, स्थानीयता और नियोजन, ये सरकार ऐसी सरकार चल रही है जो नियोजन लेके आते लेकिन स्थानीयता नहीं है। इसलिए सबसे बड़ी लड़ाई है, हम लोग ये कन्वेंशन के बाद मैदान में उतरेंगे और उसको तय करेंगे। पानी भी आ रहा कि कैसे करके भू वापसी कराया जाए और ट्रैक्टर चलाया जाए। धन्यवाद।